तो देखिए बेटा, डिस्काउंट जो है ये हमारे पास दो तरह का बताया जाता है। एक बताया जाता है कि एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, और एक हम लोगों के यहां बताया जाता है कैश डिस्काउंट। तो दो तरह के डिस्काउंट बताए जाते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। अब इन दोनों ही डिस्काउंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं, एक एक करके आराम से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आज ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। देखिए ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, और जो डिस्काउंट हम लोग बिजनेस में देते हैं उसको हमारे यहां पर ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जो डिस्काउंट देता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो हमने यहां पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी, विच इज गिवन बाय वन बिजनेसमैन to another businessman known as trade discount। बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज। अकाउंट्स कहता है देखो सर, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जो डिस्काउंट देता है हमारे यहां उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब स्टूडेंट कहता है सर देखो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आपने क्या पढ़ाया, तो मैंने कहा देख मैं तुझे एक एग्जांपल से समझाता हूं, शायद तेरे को मेरी बात समझ में आए। एग्जांपल क्या है वो देखते हैं। देखिए आप यू समझिए कि एक ये मिस्टर ए है, और ये मिस्टर ए क्या है, मिस्टर ए चाहता है कि मैं एक टाइटन कंपनी की रिस्ट वॉच खरीदना चाहता, टाइटन कंपनी, और ये टाइटन कंपनी की रिस्ट वॉच लेने के मूड में है। अब टाइटन कंपनी की एक वॉच, जो रिस्ट वॉच ये लेना चाहता है, सपोज करो उस वॉच का जो एमआरपी है, उस वॉच का एमआरपी 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज। सवाल ये उठता है कि अगर ये वॉच 50,000 रुपए की खरीदना चाहता है, अगर हमें कोई वॉच खरीदनी है तो क्या ये टाइटन कंपनी की फैक्ट्री पहुंच जाएगा? ये टाइटन कंपनी की फैक्ट्री है, तो क्या हमारे यहां इंडिया में ऐसे बिजनेस चलता है कि आपको कोई भी चीज अगर खरीदनी हो तो आप सीधा उसकी फैक्ट्री चले जाओ? हमारे यहां ऐसा तो नहीं होता। अगर मेरे को मान लो एक कंपनी मारुति कंपनी की कार खरीदनी है तो मैं मारुति कंपनी की फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। अगर मेरे को एलजी कंपनी का एयर कंडीशन खरीदना है तो मैं एलजी कंपनी की फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। तो पॉइंट ये होता है कि आखिर ये प्रोसेस चलता कैसे है, फिर ये प्रोसेस चलता कैसे है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई चीज फैक्ट्री बनती है तो टाइटन कंपनी वाले क्या करेंगे कि वो ये गुड्स सप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे। हर एरिया का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली का होगा, एक हरियाणा का होगा, एक पंजाब का होगा। तो टाइटन कंपनी की जो फैक्ट्री है, टाइटन कंपनी की फैक्ट्री से ट्रक निकलेगा और वो एक डिस्ट्रीब्यूटर जो दिल्ली का होगा उसको दे जाएगा। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली में बैठा है, इतनी बड़ी दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूटर अकेला तो सेल कर नहीं सकता, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटर किसको गुड्स देता है, ये गुड्स देता है होलसेलर, ये होलसेलर को गुड्स देता है। अब जो होलसेलर होते हैं वो जैसे एक ईस्ट दिल्ली का हो गया, एक वेस्ट दिल्ली का हो गया, एक नॉर्थ दिल्ली का हो गया। होलसेलर ईस्ट दिल्ली में अकेला तो गुड्स सप्लाई कर नहीं सकता, तो ये जो गुड्स देता है ये किसको देता है, ये देता है रिटेलर को। और जो रिटेलर गुड्स होता है ये गुड्स देता है कस्टमर को। यहां पर जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए एक कस्टमर है, तो हमारे यहाँ ये चेन चलती है इस तरीके से। हर कंट्री में, हमारे यहाँ नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में
जो गुड्स की सेल या सप्लाई होती है वो इसी चेन के थ्रू होती है। ऐसा नहीं होता है कि वैसे आप डायरेक्ट किसी चीज को खरीदना तो आप फैक्ट्री चले। अब एक बात मेरी समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि ये टाइटन वॉच है, अब फैक्ट्री वालों ने ये वॉच डिस्ट्रीब्यूटर को दी, तो ध्यान से सुनिएगा, फैक्ट्री वाले डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कहते हैं? फैक्ट्री वाले जब इसको बिल बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचते हैं, तो ये कहते हैं कि हम आपको एक वॉच 35,000 रुपीज की बेचे। वैसे उसका एमआरपी कितना है? उसका एमआरपी 50,000 रुपए है। अब फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर को देखो बेटा क्या कहती है कि जो वॉच हमने आपको 35,000 रुपए में सेल किया है, जानते हो उसका एमआरपी कितना है? उसका एमआरपी 50,000 रुपए है। तो फैक्ट्री ये बोलती है कि हमने आपको एक वॉच 35,000 में सेल किया है, हमने आपको डिस्काउंट दिया है 15,000 रुपए का। इस 15,000 रुपए के डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, विच इज गिवन बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन। ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है। डिस्ट्रीब्यूटर ने जो वॉच खरीदी है वो पहनने के लिए नहीं खरीदी, वो उसे आगे बेचने के लिए ही खरीद रहा है, तो ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट। अब डिस्ट्रीब्यूटर आगे किसको माल बेच रहा है? होलसेलर को। तो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को एक वॉच 38,000 रुपीज में बेच रहा है। ऐसे अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटर ने एक वॉच पे कितना पैसा कमा लिया? 3,000। इसको 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्यों 3,000 का प्रॉफिट हो गया? क्योंकि इसने वॉच खरीदी 35,000 रुपए की थी, बेची इसको 38 मारा। अब डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देखो क्या कहता है कि जो वॉच बेटा मैं तुम्हारे को 38 की बेच रहा हूं, जानते हो उसका एमआरपी कितना है? तो उसका एमआरपी 50,000 रुपए है। तो इसने कितने का डिस्काउंट दिया? 12,000 रुपए का। दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, विच इज गिवन बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन। ये ट्रेड डिस्काउंट। अब होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, होलसेलर रिटेलर को ये वॉच 40,000 रुपए में बेचता है। अब इसमें होलसेलर ने कितने का प्रॉफिट कमा लिया एक वॉच के ऊपर? होलसेलर ने 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब ये जब इसको वॉच बोलता है, बेचता है, तो क्या बोलता है कि जानते हो जो वॉच मैंने आपको 40,000 में बेची है उसका एमआरपी कितना है? उसका एमआरपी 50,000 रुपए है। तो मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10,000 रुपीज का। तो ये यहां पे विच इज गिवन बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन। ट्रेड डिस्काउंट अगर ना हो तो ये चेन फॉलो नहीं हो पाती। लेकिन रिटेलर अब चाहे तो कस्टमर को वो बाज 50,000 में बेचे चाहे 48 में बेचे, वो उसकी मर्जी है। पर यहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि तो ये कस्टमर है, ये बिजनेसमैन नहीं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आखिर ट्रेड डिस्काउंट का रोल क्या है। तो बिजनेस बिना ट्रेड डिस्काउंट के नहीं चल सकता बेटे, इस चेन को फॉलो ही करना पड़ता है। अब इसके साथ साथ एक सच बात और भी है, वो आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। अकाउंट कहता है देखो सर, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये बहुत टॉप सीक्रेट होता है कंपनी का। मतलब ये कि रिटेलर जिंदगी भर रिटेलर रहना नहीं चाहता, रिटेलर जानना चाहता है कि होलसेलर को ये वॉच कितने की पड़ती है। और एक बात बताऊं आपको, रिटेलर कोशिश करेगा कि वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीद ले। ऐसा भी होता है, सबको अमीर बनने का सपना तो देखना ही होता है कि चलो यार मुझे शायद उससे ज्यादा सस्ती मिल जाए। होलसेलर डायरेक्ट टच करने की कोशिश करता है फैक्ट्री को कि मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से माल उठा लूं। तो कोशिश ये होती है कि चेन टूट जाए। इसलिए अकाउंट ने और बिजनेस की दुनिया में कुछ उसूल काम करते हैं। आप तो शायद ये बात नहीं समझोगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का जो है वो एक एग्रीमेंट साइन होता है कि भाई साहब एक एरिया के अंदर आप एक ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगी कंपनी, दो नहीं बना सकती। तो आप ये समझिए कि अगर इसे पता चल जाए कि ये कितने ही खरीदता है, या इसे पता चल जाए ये कितने खरीदता है, तो ये पूरी चेन सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं कर पाएगी और बिजनेस खराब हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट कंपनी का टॉप सीक्रेट होता है और वो बिल पे नहीं दिखाना चाहिए। यानी कि आप डिस्काउंट दो लेकिन बिल पे मत दिखाओ, क्योंकि अगर आपने बिल के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिखा दिया और आपका बिल आपके कंपटीटर ने देख लिया तो बिल से पता लगा लेगा कि इसको कितने का डिस्काउंट मिला हुआ है। इसीलिए जो बात मैं अब बोलने वाला हूं वो आपको हैरान कर देगी। अकाउंटेंसी में देखो क्या लिखा गया है। अकाउंटेंसी के अंदर एक वर्ड लिखा गया है, यहां वापस आते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर एक वर्ड लिखा गया है क्या, कि ट्रेड डिस्काउंट के बारे में ये लिखा गया है No journal entry required, कि आप इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे।
नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। तो सवाल ये उठता है, स्टूडेंट कहता है सर क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? तो मैंने कहा बेटा को समझाया कि देख बेटा समझा कर बात को, ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो बिजनेस करना भारी पड़ जाएगा, आप बिलिंग में दिखा दोगे मामला हो जाएगा गड़बड़, झगड़े होते हैं कि भाई साहब आपको इतने की पड़ रही है, मुझे आप इतने की बेच रहे हो, तो आप तो मुझे बड़ा महंगा लगा रहे हो, आप तो मेरे से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को सीक्रेट रखा गया, अकाउंट वालों को पढ़ाया जरूर गया लेकिन उन्हें यह भी पढ़ाया गया कि इसकी कभी कोई जर्नल एंट्री मत करना, और यह भी पढ़ाया गया कॉमर्स के बच्चों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। चलिए एनीवे, क्या कोई स्टूडेंट ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मुझसे कोई ऑब्जेक्शन या कोई इंक्वायरी करना चाहता है? ट्रेड डिस्काउंट आप लोग समझ गए? सर इसमें जैसे अगर रिटेलर जो है अगर वो सीधा अगर कंपनी से ले तो ऐसा हो सकता है? देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा उन केसेस में होता है जिनकी कोई जान पहचान। अब जैसे कोई बोलता है कि मेरे तो चाचा जी डायरेक्ट फैक्ट्री में काम करते हैं तो मेरी जान पहचान है, मैं डायरेक्ट उनसे कह के मंगवा लूंगा, तो वो मंगवा तो सकते हो आप, जिन लोगों की जान पहचान है जिन लोगों के रिलेटिव है वो लोग ऐसी डील तो कर सकते हैं, पर वो ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते। आपको पहनने के लिए घड़ी चाहिए टाइटन कंपनी की, आपका कोई रिलेटिव टाइटन कंपनी में काम करता है तो वो डायरेक्ट वहां से खरीद तो सकता है, लेकिन क्या ये कंपनी डायरेक्ट डील सबके साथ करेगी या स्पेशल केसेस में करेगी? बोलो बेटा, ये डील कंपनी सबके साथ करेगी या स्पेशल केस में करेगी? सिर्फ स्पेशल केस। हाँ, कोई जान पहचान है कोई रिलेटिव है तो ठीक है, कंपनी डायरेक्ट फैक्ट्री से भी आप ले सकते हो, पर फैक्ट्री ये डिक्लेयर नहीं करेगी कि रिटेलर आए तो डायरेक्ट हमसे रिटेलर आके ले जाए। अगर ऐसे करेगी तो डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा मैं पागल बैठा हूँ, होलसेलर कहेगा वैसे फिर आपने हमारी चेन बनाई क्यों, तो फिर वो झगड़ा हो जाएगा, सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर देखते हैं कि क्या बात बनी इसके अंदर। कैश डिस्काउंट कह रहे सर विच इज गिवन, विच इज गिवन टू अट्रैक्ट द इमीडिएट पेमेंट, विच इज गिवन टू अट्रैक्ट द इमीडिएट पेमेंट, हम उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा है, मैं तो आपकी एक बात नहीं समझ पा रहा। तो मैंने कहा देख बेटे तुझे मैं कैश डिस्काउंट का मतलब भी समझाता हूं। देखिए आप ऐसे समझिए कि एक ये बिजनेसमैन ए है, यहां पे समझते ये लीजिए, एक ये बिजनेसमैन ए है और एक ये बिजनेसमैन बी है, ये दो बिजनेसमैन और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, सेम प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ए बनाता है वही प्रोडक्ट बी बनाता है और दोनों की क्वालिटी भी सेम है। आप ये कह ही नहीं सकते कि ए का प्रोडक्ट अच्छा है बी का खराब, या ये नहीं कह सकते कि बी का प्रोडक्ट अच्छा है ए का खराब, प्रोडक्ट भी दोनों का बिल्कुल सेम है क्वालिटी वाइज भी। अब दोनों का जो सेल प्राइस है वो भी सेम है, सेल प्राइस 1000 रुपए में ये भी सेल करता है, सेल प्राइस 1000 रुपए में ये भी सेल करता है, और दोनों ही कैश सेल करते हैं, दोनों ने ही कैश सेल कर रखे कि जो भी आएगा कस्टमर, कस्टमर को बोलते हैं वैसा पहले पेमेंट रख दो बाद में माल उठाना। अब आमने सामने दुकान है, प्रोडक्ट सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, अगर इनमें से कोई ये सपना देखे यार मेरी सेल ज्यादा होनी चाहिए बी से, या बी ये सपना देखे कि मेरी सेल ज्यादा होनी चाहिए ए से, तो ये अपने सेल बढ़ाएं कैसे, कौन सा दिमाग लगाएं कि इनकी सेल बढ़ जाए। इस काम के लिए इन्होंने किसी फाइनेंशियल मैनेजर से कंसल्टेंट से बात की कि भाई साहब कुछ आइडिया दो यार, हम तो ऐसे फंस गए कि यार सेल प्राइस बढ़ा नहीं सकते, कम कर नहीं सकते, कॉम्पिटिशन हमारे में इतना है, तो कोई तरीका बताओ जिससे सेल हमारी बढ़ जाए। तो फाइनेंस मैनेजर ने एक बात बोली कि देखो सर दो रास्ते हैं आपके पास, ऑप्शन वन आप एक काम कर सकते हैं, क्या
आप एडवर्टाइजमेंट करिए। आप अगर एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ सकती है। अब देखो ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट अच्छे लेवल पे करें तो डिमांड क्रिएट होती है, सेल बढ़ जाएगी। लेकिन आज के डेट में एडवर्टाइजमेंट मुंह से बोलना आसान है लेकिन करवाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस पे अंधाधुंध पैसा खर्च होता है। अगर आप लोग टीवी पे ऐड की बात करें, मान लो हम टीवी पे प्रोडक्ट की ऐड दें, तो जो टीवी का सबसे घटिया चैनल है जिसे कोई भी नहीं देखता, उसके ऊपर भी जो ऐड का रेट है वो आज की डेट में 60,000 रुपीज पर सेकंड का रेट है, 60,000 रुपए पर सेकंड। ये घटिया चैनल का रेट है। अगर कोई फेमस चैनल है, कोई फेमस प्रोग्राम है या इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ऐसे में ये रेट 1 करोड़ रुपीज पर सेकंड चला जाता है। यानी कि एडवर्टाइजमेंट से बात तो सच है कि पैसा भाई आपकी सेल बढ़ जाएगी, लेकिन उसके ऊपर एक ह्यूज अमाउंट चला जाता है, और हर बिजनेसमैन एडवर्टाइजमेंट जैसी कॉस्ट नहीं झेल सकता। एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन टीवी पे ऐड नहीं दे सकता, एक लो क्लास बिजनेसमैन टीवी पे ऐड नहीं दे सकता, हाई क्लास मिडिल क्लास भी नहीं दे पाता। जो बहुत टॉप फैक्ट्री या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग टीवी पे ऐड दे पाते हैं। अब सवाल ये उठा कि हमने फाइनेंस मैनेजर को बोला कि सर आपकी एडवाइस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन साहब ये एडवाइस महंगी बहुत है और हमारी इतनी औकात है, कोई और तरीका सेल बढ़ाने का है तो बताओ। अब उसने एक एडवाइस और दी, ऑप्शन टू, कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप दूसरा काम कर लीजिए। ऑप्शन टू क्या करें? कह रहे सर आप उधार माल बेचना शुरू कर दो क्रेडिट से। एक बढ़िया तरीका, मतलब इसमें पैसा भी खर्च नहीं होता और सेल भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, दोनों ने बोर्ड लगा रखा है कैश सेल कैश सेल। अगर अगले दिन ये उठा के यहां पे लिख दे क्रेडिट से, मतलब ये कि आज माल दे दो, माल ले जाओ आप उठा के, पर जो पेमेंट है वो आफ्टर 7 डेज दे देना, पैसे 7 दिन के बाद दे देना, माल आज ले जाओ आप उठा के। अगर इसने ये बोर्ड लगा दिया और इसने बोर्ड ये लगा रखा है कि मेरे यहाँ कैश सेल है, बताओ किसकी सेल ज्यादा हो जाएगी? सर एक ही। सर एक ही। आप सबने ये बात मानी कि सर सेल एक ही बढ़ जाएगी अगर आपने क्रेडिट सेल कर दी। इसीलिए बेटे बिजनेस में उधार चलता है। कई लोग सोचते हैं ये बात कि भाई उधार में रिस्क भी तो है, पता नहीं लोग उधार माल क्यों बेचते हैं। तो आज आपको ये बात समझ में आएगी कि बिजनेस क्रेडिट पे ज्यादा क्यों चलता है, कि सेल बढ़ानी होती है, सेल बढ़ाने के लिए हमें क्रेडिट पीरियड देना ही पड़ता है। अब होगा ये कि मान लो इसने ये बोर्ड टांग लिया क्रेडिट सेल का, तो थोड़े क्योंकि कंपटीटर हैं दूसरे के, तो थोड़े दिनों बाद ये भी यहां पर बोर्ड टांग लेगा क्रेडिट सेल कि मैं भी क्रेडिट सेल करूंगा, और ये क्रेडिट सेल करेगा कि मुझे भी पैसा 7 दिन के बाद दूंगा। और अगर ऐसा होता है तो अब गेम उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थोड़े दिनों बाद ये बोलेगा कि मेरे को पैसा 15 दिन बाद दे देना, फिर ये बोलेगा कि मुझे भी चलो 15 दिन बाद दे देना, फिर ये बोलेगा मुझे 30 दिन बाद दे देना पेमेंट, फिर ये भी बोलेगा कि मुझे 30 दिन बाद दे देना। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर मैं बात करूं लगभग 1980 के आसपास, या अभी भी क्या बोलूं 1995 तक अगर मैं बात करूं, तो 1995 तक गली मोहल्ले में किसी एक आदमी के पास ही कार होती थी। 1995 तक की बात मैं आपको बता रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक कार की बाढ़ आ गई, लोग कार खरीदने लगे। सर 1995 तक लोगों की सोच ये थी कि अगर 15 लाख की कार है और हमारे पास 15 लाख रुपए हैं तो 15 लाख रुपए इकट्ठे लेके जाते थे और कार खरीदते, ये सोच हमारे इंडियंस की रही है किसी जमाने में। अब हुआ ये कि लोगों के पास 15 लाख रुपए होंगे तो वो कार खरीदेंगे, तो 15 लाख रुपए जोड़ने में बहुत टाइम लग जाता था पहले लोगों को, तो खरीद नहीं पाते। अब क्या करें? तो जब बाहर की कंपनी इंडिया में आई, उन्होंने बोला भाई साहब इन्हें कार बेचनी है तो कैसे बेचे, तो उन्होंने उधार की आदत डाली। आज आप कार लेने जाओ तो देखो वो आपको कार कैसे बेचते हैं कि भाई साहब 5 लाख रुपए की कार है, ठीक है, वो कह रहे काम करो आप अभी हमें पेमेंट कर दो डाउन पेमेंट मात्र 50,000 रुपए या 40,000 रुपए, 40 दे दो, 20 दे दो, जो आप देना चाहो दे दो,
बाकी का पैसा आप बाद में 5 साल के अंदर दे देना, 3 साल के अंदर इंस्टॉलमेंट में दे देना, 2 साल में इंस्टॉलमेंट में देना। अब लोगों ने क्या सोचा कि भाई अगर 40,000 रुपए भी मेरी जेब में पड़े हैं तो मैं कार खरीद सकता हूँ। और कारों में आजकल आप खुद जानते हैं कि कार के कितनी जबरदस्त सेल बढ़ी इंडिया में, कि आप गली में खड़ी कर रहे तक की जगह नहीं बची, कहीं पर पार्किंग ही नहीं है। तो उधार यानी कि क्रेडिट ने ऐसी आदत डाली कि इंडियंस को उधार लेने की आदत पड़ गई। पहले उधार नहीं लिया करते थे, लेकिन बाद में ट्रेंड चेंज होता चला गया। आप देखो कितने मकान बन रहे हैं बेटे, अब वो मकान भी कैसे बेच रहे हैं कि आप वैसे 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए दो और मकान आपका 20 साल तक आप उसकी इंस्टॉलमेंट भरते रहना, यानी क्रेडिट पीरियड 20 ईयर कर दिया भाई साहब, 20 साल तक उधार। एक बड़ा अजीब सा पॉइंट है ये कि बिजनेस की दुनिया में उधार मजबूरी बन गई। आजकल को अगर आप भी किसी बिजनेस में जाएंगे या बिजनेस करेंगे तो ये प्रॉब्लम मेरे बच्चे आपके सामने भी आने वाली है कि हमें भी क्रेडिट पे काम करना पड़ेगा, उधार माल बेचना पड़ेगा। और उधार माल बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिस्क होता है, पता नहीं कौन पैसा बाद में दे ना दे, कोई मुकर जाए पैसा देने से, वैसा मैं तो नहीं दे रहा पेमेंट, ये भी एक मुसीबत हमारे सामने रहती है। खैर, अब बिजनेसमैन ने यह सोचा कि भाई उधार से तो पीछा छूट नहीं सकता, अगर सेल बढ़ानी है तो उधार माल बेचना ही पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सच है। हम ऐसा क्या करें कि इसका तोड़ ढूंढे, उधार माल बेचते रहे तो सारा पैसा तो बिजनेस में ही फंस जाएगा, इसका कोई तोड़ ढूंढना पड़ेगा। और उन्होंने एक दिमाग लगाया, देखो क्या दिमाग लगाया, मिस्टर ए ने एक कस्टमर को माल बेचा, देखो मिस्टर ए ने एक कस्टमर को माल बेचा और उसको ये बोला कि वैसा 3 लाख रुपए का माल है, आप इसकी पेमेंट आफ्टर 3 मंथ कर देना, 3 महीने बाद आप मुझे इसकी पेमेंट कर देना। कस्टमर ने कहा ओके भाई, मैं 3 महीने बाद आपकी पेमेंट कर दूंगा 3 लाख रुपए। तो जब वो माल लेके जाने लगा तो मिस्टर ए ने बोला बाबूजी एक काम करो, एक स्कीम आई है हमारी, कहो तो मैं सुना दूं आपको। तो कस्टमर ने बोला बोलो भाई क्या स्कीम है। कहेगा सर स्कीम ये है कि जो लोग पैसा 3 महीने के बाद देंगे उनको तो पूरा 3 लाख रुपए देना ही है, लेकिन अगर ये लोग इफ पेड टुडे, अगर ये पैसा आज दे देते हैं, आज ही दे देते हैं, तो हम इनको 10% का डिस्काउंट दें। तो मिस्टर ए ने कस्टमर को बोला कि भाई साहब अगर 3 महीने बाद पैसा दोगे तो पूरा 3 लाख देना पड़ेगा, लेकिन आज अभी पेमेंट करते हो तो 3 लाख रुपए आपको पूरे नहीं पे करने पड़ेंगे, 3 लाख में से डिस्काउंट मिलेगा 10%। तो अगर हम 3 लाख रुपए का 10% निकालें तो ये अमाउंट होता है 30,000 रुपीज, आपको 30,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको आज पैसा देना पड़ेगा 2,70,000 रुपए, आपको आज इतना पे करना पड़ेगा, और अगर 3 महीने बाद पे करोगे तो आपको पूरा 3 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर आप कस्टमर होते तो बताओ आप क्या डिसीजन लेते, 3 महीने बाद पैसा देते या आज देने की कोशिश करते? शायद आपको, हाँ आप शायद, आपको मेरी एक बात समझ में आए, विच इज गिवन, दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, विच इज गिवन टू अट्रैक्ट द इमीडिएट पेमेंट। ये दिया ही इसीलिए जाता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करता है ये कि भैया मैं अभी पेमेंट करूं। देखो मजबूरी है तो बात अलग, भाई अगर कोई कस्टमर कहता है वैसा पैसे होते ना आज मेरे पास तो मैं अभी 30,000 रुपए का फायदा ले लेता, लेकिन क्या करूं भाई साहब हालत ही मेरी बड़ी टाइट है। तो ठीक है भाई हालत टाइट है तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर कस्टमर की जेब में पैसे हैं तो 101% कस्टमर इस डिस्काउंट को देख के पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है, दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो शायद आपको देखो डेफिनेशन समझ में आए, क्योंकि मैंने हल्की फुल्की डेफिनेशन लिखी है, कोई भारी भरकम डेफिनेशन मैं लिख भी नहीं रहा यहां पर। मैंने लिखा क्या है, विच इज गिवन टू अट्रैक्ट द इमीडिएट पेमेंट, ये इमीडिएट पेमेंट के लिए अट्रैक्ट करता है कि भाई मेरी जेब में काश पैसे होते मैं डिस्काउंट ले लेता साहब, डिस्काउंट से अट्रैक्ट हो जाता है कई बार कस्टमर। और आज की डेट में ये मजबूरी है,
आज की डेट में तो बेटा आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में हर कंपनी इस तरह के क्रेडिट पीरियड तो दे रही है, उधार तो दे रही है, पर उधार देती है इधर, उधार देती है उधर, लालच देती है कि भैया आप इमीडिएट पेमेंट कर दो। आपने कैशबैक का नाम सुना होगा कि भाई इतना कैशबैक मिल जाएगा आपको अगर आप पेमेंट करते हैं तो भैया ठीक है, वो कैश डिस्काउंट ही एक तरह का। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन करता हूं। क्या करेक्शन कर रहे हो सर आप? कोई कोई कंपनी ऐसा भी कहती है कि टुडे दिखना जरूरी नहीं है। कई बार कस्टमर अपने घर से निकलता है, कह रहे भाई साहब 3 लाख रुपए 2,70,000 रुपए जेब में थोड़ा लेके घूम रहा हूं। तो कभी कभी कंपनी बोलती है इफ पेड विद इन 3 डेज। अगर आप पैसा 3 दिन के अंदर दे देते हैं, अब जरूरी नहीं है भाई 3 दिन हो, कंपनी की अपनी स्कीम हो सकती है, कंपनी 7 डेज में बोलते हैं, कंपनी की अपनी स्कीम हो सकती है, कंपनी 10 दिन में बोलते हैं। तो अगर 3 दिन के अंदर भी आपने पेमेंट कर दी तो भी आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, ताकि वो लोग जो कह रहे हैं कैश जेब में थोड़ा लेके घूमता है, तो ठीक है भैया 3 दिन में पेमेंट कर दो। दूसरी बात, आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं? तो बच्चा सोचता है कि सर जी कैश, नहीं ये मतलब नहीं होता है इसका। कैश हो सकता है कि आप ऑप्शन कैश से पेमेंट करें, वो भी वैलिड है। हो सकता है कि आप चेक दे दें। अगर आप चेक देंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये पेमेंट बैंक के थ्रू हो जाएगी। आजकल ये भी चल रहा है कि हो सकता है आप पेटीएम कर दें, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दें। तो भैया पेमेंट करने से मतलब है, इन बातों से मतलब नहीं है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है। यानी कोई बच्चा ये ना सोचे कि भैया सर आपने कैश डिस्काउंट बोला था तो भैया ये कैश देने पर ही मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, गलत समझ रहे हो आप। नाम जरूर कैश डिस्काउंट है, पर मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है। कैश भी, चेक भी, पेटीएम भी, ऑनलाइन ट्रांसफर, डेबिट क्रेडिट, नेट बैंकिंग, भैया जहां से मर्जी पेमेंट करो आप। तो हमने ये समझा कि ठीक है भाई, विच इज गिवन टू अट्रैक्ट द इमीडिएट पेमेंट, इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब स्टूडेंट कहते हैं चलो सर मैं ये डिस्काउंट तो समझ गया, अब ये बताओ क्या इसकी भी जर्नल एंट्री नहीं करते? तो मैंने कहा बेटा इसकी जर्नल एंट्री तो बहुत जरूरी है। अकाउंट कहता है यस जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, इसकी जर्नल एंट्री की जरूरत है। अब स्टूडेंट कहता है सर मुझे बस इतना बता दो इसकी जर्नल एंट्री की जरूरत क्या है? यस जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। तो मैंने कहा देख इसकी जर्नल एंट्री क्यों जरूरत है मैं तुझे समझाता हूं। तुमने अपने कस्टमर को 3 लाख का माल बेचा, कह रहा हाँ जी बेचा, पेमेंट कब करेगा, कह रहा 3 महीने बाद। आपने उसे कैश डिस्काउंट दे दिया, हमने कहा दे दिया, और पैसे ले लिया आपने उससे। कस्टमर आपका माल लेके चला गया, 10 दिन बाद या 20 दिन बाद कस्टमर का फोन आ गया, वैसा आपका माल तो डिफेक्टिव है, या वैसा मैंने तो आपसे दूसरा मॉडल नंबर मांगा था आपने तो दूसरा भिजवा दिया, कोई भी वजह हो सकती है, और कस्टमर कह रहा है वैसा अपना माल वापस ले लो मुझे पसंद नहीं आया। अब एक बात बताओ कि अगर आपको उसका माल पसंद नहीं आया तो जो बिल कटा है बेटा, बिल 3 लाख का कटा है, ये ध्यान रखना। अब अगर बिल 3 लाख का कटा है तो उसे पैसे भी फिर 3 लाख वापस करने पड़ेंगे। अगर हमने ये लिखा ही नहीं कैश डिस्काउंट कितना दिया था उसको, तो हम उसको बोलेंगे वैसा माल जरूर हमने 3 लाख का भेजा था, पर आपको याद होगा हमने आपको कैश डिस्काउंट दिया था 30,000 का, तो हमने 2,70,000 रुपए आपसे लिए थे, तो 2,70,000 रुपए हम आपको रिफंड करेंगे। और दिन में आप 50 कस्टमर को माल भेजते हो, आपने किसको कितना डिस्काउंट दिया था? अगर आप ये बात खुद ही आप भूल गए तो कल को अगर रिफंड आ गया ना तो फिर आप पेमेंट पूरी करनी पड़ जाएगी आपको, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए अकाउंट कहता है सर कैश डिस्काउंट की एंट्री तो करनी पड़ेगी आपको। ट्रेड डिस्काउंट तो चलो भाई सीक्रेट था, वो हम नहीं दिखाना चाह रहे थे बिल के ऊपर, वो अलग बात है, पर कैश डिस्काउंट तो हम बिल पे दिखा लेते हैं सर, और कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री भी होती है। अब जर्नल एंट्री कैसे होती है ये अब शुरू होती है कहानी। अब अकाउंट आ जाता है, अकाउंट कहता है देखो मैंने आपको अभी तक ये बताया कि क्या होता है कैश डिस्काउंट, क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट, पर इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं इस पर अब हम बात करना शुरू करते हैं। अब हम इस पे कैसे बात करेंगे उस चीज को देखते हैं। देखिए बेटा इधर मैं जो तरीका बता रहा हूं थोड़ी देर के लिए उस पर हां कर देना बस, कोई मुझसे लॉजिक नहीं पूछेगा, लॉजिक पे हम बाद में बात करेंगे। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर लॉजिक तो बताया नहीं आपने ऐसा क्यों होता है, लॉजिक पे हम आज अभी बात नहीं करेंगे, बस हां कर देना मेरी बात पे। मैंने स्टूडेंट को एक बात बताई कि देख बेटा एक मेरे कहने पर एक बात सीख ले, ये लिखा है कैश और ये लिखा है डिस्काउंट, तो इसके साथ प्लस लगा। अब स्टूडेंट कहता है सर प्लस का क्या मतलब होता है?
मैंने कहा प्लस का मतलब होता है कि अकाउंट कहता है जर्नल एंट्री में जहां कैश होगा वहां डिस्काउंट होगा। स्टूडेंट कहता है मेरे को आया नहीं समझ में, मैं दोबारा बोलता हूं, कैश अकाउंट अगर जर्नल एंट्री में डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, जर्नल एंट्री में अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। यह डिस्काउंट की बहुत खास बात है, यह हमेशा कैश के साथ साथ चलता है। जर्नल एंट्री में ढूंढना पड़ेगा कि कैश कहां है, कैश डेबिट में या कैश क्रेडिट में। कैश डेबिट में कब होता है, जब हमारे पास कैश आता है तो डेबिट होता है। कैश क्रेडिट में कब होता है, जब हमारे पास से कैश जा रहा होता है तो क्रेडिट होता है। तो एनीवे ये प्लस का साइन लगा लेते हैं। अब देखो, अभी जर्नल एंट्री में आपको करके दिखा रहा हूं कैसे करना होता है, अगर कोई स्टूडेंट डाउट पूछना चाहता है तो डाउट पूछ सकता है। कोई स्टूडेंट कोई डाउट पूछना चाहता है बेटे? नो सर। ठीक है, मैंने ग्रुप पे इसकी फोटो क्लिक करके भेज दिया, तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक, अब आप एक काम कीजिए, मेरे साथ साथ पेन उठाइए और कुछ ट्रांजेक्शन लिखिए, धीरे धीरे बातें समझ में भी आएंगी कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले ट्रांजेक्शन लिखिए फर्स्ट, जहां पर लिखिए सोल्ड गुड्स टू हर एमआरपी 1 लाख। एमआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे बच्चे? एमआरपी की फुल फॉर्म मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हाँ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब आपको जान के हैरानी होगी कि मैं आपको एमआरपी के दो ऐसे नाम बताता हूं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, पर ये नाम पता होने चाहिए। एमआरपी के दो और नाम क्या है, कुछ लोग एमआरपी को हमारी अकाउंट की दुनिया में लिस्ट प्राइस कहते हैं, लिस्ट प्राइस, ये नाम आपने नहीं सुने, ये कॉमर्स के बच्चे सुनते हैं बस। कुछ लोग एमआरपी को हमारे अकाउंट की दुनिया में कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं। कैटलॉग प्राइस, तो क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि एमआरपी ना लिखाओ, अभी तो मैंने लिख दिया एमआरपी, हो सकता है क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दिखाओ, ये भी हो सकता है क्वेश्चन में कैटलॉग प्राइस दिखाओ, तो चलो जो लिखा होगा बात की बात है। तो सोल्ड गुड्स टू हरी एमआरपी 1 लाख, इसके आगे लिखो अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 20%। ये ट्रांजेक्शन लिखो बेटे पहले आप, लिख लिया बेटे सबने? यस सर। अब 2 मिनट बात करते हैं। मुझे बेटे ये बताओ कि ये जो मैंने सेल किया है, ये सेल मैंने कैश सेल किया है या क्रेडिट किया है? सर क्रेडिट। क्रेडिट। स्टूडेंट कहता है सर देखो, आपने आज सुबह पढ़ाया था कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में किसी का नाम लिखा हो तो हम उधार बांटते हैं, यानी कि ये क्रेडिट सेल है। तो मैंने कहा हाँ बेटे बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ही, इसी क्वेश्चन के अंदर बेटे एक वर्ड ये भी लिखा हुआ है कि हमने इसको कैश डिस्काउंट अलाउड किया। बेटा कैश डिस्काउंट हम किसको देते हैं, जो पैसा बाद में देगा या जो पैसा आज दे रहा है? जो पैसा आज दे रहा है। अगर पैसा आज दे रहा है मेरे बेटे तो फिर तो ये कैश सेल हुई, हाँ है ना? यस सर। हाँ, ये बात समझने वाली है। सर फिर हमें कैसे पता चल रहा है कि वो आज दे रहा है सेल? ये बेटा ये, क्योंकि कैश डिस्काउंट हर किसी को नहीं मिलता, कैश डिस्काउंट उसी को अलाउड करते हैं जो पेमेंट आपको हाथ के हाथ दे रहा है। हाथ के हाथ का मतलब मैंने समझाया ना आपके, शायद आज दे दे या 3 दिन में दे, 2 दिन में, इसका मतलब हमारे कैश सेल माना जाता है। हम कैश डिस्काउंट हर किसी को नहीं देते बेटे, कैश डिस्काउंट वर्ड आप हटा दो, मैं अभी इसको उधार सेल मान लूंगा। सिर्फ कैश डिस्काउंट ने मेरे को ये हिंट दिया
ये सेल कैश सेल, इस वर्ड ने मुझे परेशान किया है, बाकी ये वर्ड तो उधार बता रहा। तो क्या मेरी पूरी क्लास सेटिस्फाइड है कि हाँ सर अब मैं समझ गया कि ये कैश सेल क्यों है? तो सर जहाँ पे भी कैश डिस्काउंट लिखा होगा मतलब वो कैश सेल हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, अगर कहीं कैश डिस्काउंट लिखा है तो वो कैश सेल हुआ। ओके सर, अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चे, अगर मैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश माल बेचता हूँ, इसकी जनरेंट्री बना के दिखाओ बेटा एक बार, बोलो जनरेंट्री क्या होगी? मैंने कैश सेल किया, इसकी जनरेंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बिल्कुल ठीक बोली है एंट्री इसने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और ये एंट्री आप लोग आज मॉर्निंग में सीख चुके हो, इसलिए इस एंट्री को देख के परेशान होने की जरूरत नहीं। अब स्टूडेंट कहता है सर इसमें डिस्काउंट कहाँ आएगा? तो मैंने कहा बेटा यही तो मैं तुझे बता रहा था। क्या बता रहा था? कि जहां कैश होगा डिस्काउंट भी वही होगा। अब स्टूडेंट कहता है सर इस एंट्री में कैश तो डेबिट में है, तो मैंने कहा बेटा डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा। तो मैं यहां लिखने वाला हूं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। एंट्री ऐसे होती है। अब स्टूडेंट कहता है चलो सर एंट्री में आपकी मान लेता हूं सही है, अमाउंट कैसे भरेंगे? मैंने कहा देख बेटे अमाउंट भरने के लिए तुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट प्राइस। अब मैं चाहूं तो इसे लिस्ट प्राइस बोलूं, मैं चाहूं तो इसको एमआरपी बोलूं, कैटलॉग, मेरी मर्जी। लिस्ट प्राइस बताओ बेटे मेरे एग्जांपल में कितने रुपए का है? 1 लाख। तो सबसे पहले 1 लाख ऐसे। अब इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट, और ये कंफर्म है कि पहले ट्रेड डिस्काउंट ही मिलता है हमेशा, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट। वैसे तो आपको पता है लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ये इस 1 लाख के ऊपर 10% निकाला मैंने। वो आप सब जानते हैं अगर हम 1 लाख का 10% निकालेंगे तो ये अमाउंट 10,000 रुपीज आ। अब 1 लाख का माल था, 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो माल इसका मतलब सेल कितने की हुई? तो सेल जो हुई 90,000 रुपए की। जो सेल बिल कटेगा बताओ बेटा सेल बिल के ऊपर हम ट्रेड डिस्काउंट दिखाते हैं? नो सर। इसीलिए आप इसके आगे सेल लिखोगे, जो कह रहा है ना सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को गुड्स बेचा है तो कितने का बेचा है? कह रहा है इतने का बेचा है 90,000 का। ट्रेड डिस्काउंट सीक्रेट होता है, उसका जिक्र हम कभी नहीं करते बिल के अंदर। तो सेल मानी जाएगी 90,000 रुपए की, ये 90,000 रुपए का अमाउंट आप सेल के आगे लिखोगे 90,000। ये बात पहले तय हो गई थी कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई जनरल एंट्री नहीं होती, ट्रेड डिस्काउंट हम बिल में नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते उसकी वजह हम डिस्कस कर चुके। अब हमने इसको बोला हाँ भाई 90,000 रुपए आज ही दोगे तो हम आपको डिस्काउंट और दे देंगे। अब ये 90,000 रुपए बाद में देता फिर बात की बात थी, पर ये कह रहा है हाँ मैं पैसा आज दूंगा। तो हमने कहा जो लोग आज ही पैसा दे रहे हैं हम उनको 20% का डिस्काउंट और दे रहे हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद मिलता है कैश डिस्काउंट। अब ये कैश डिस्काउंट 20%, ये 20% इस 90,000 रुपए के ऊपर मिलेगा, 90,000 इसके ऊपर 20%, ये आता है 18,000 रुपीज, 18,000 का डिस्काउंट। तो आपको पैसा कितना मिलेगा? 72,000। कस्टमर आपको इतना कैश देगा 72,000 रुपए। ये कैश उठा के आपको लिखना है यहां पर, और ये 18,000 के डिस्काउंट की एंट्री, ये कैश डिस्काउंट यहां। कह रहे सर जी ऐसे इसकी जन एंट्री करनी है, ऐसे इसके अमाउंट भरना है। एक बार सारे स्टूडेंट से कॉपी कर, और अगर कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ भी सकता है। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो ये हमने वर्किंग नोट बनाया है ये दिखाना जरूरी होता है? देखो बेटा अगर मैं सही बताऊं तो ये वर्किंग नोट, ये वाला जो वर्किंग नोट है आगे चल के हमें मेंटल लेवल पे बनाना होगा, लेकिन इसी के अंदर एक पार्ट अभी आएगा वो वर्किंग नोट दिखाना जरूरी है। अभी तो ये ऐसा है कि एग्जामिनर कहता है इतनी छोटी कैलकुलेशन है हमारे अकाउंट के अंदर, बोलते हैं कह रहे ये बच्चों को मेंटल लेवल पे करना सिखा देना, पर अभी तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे, आगे चल के क्वेश्चन आएगा वहां पे वर्किंग नोट बनाना मैंडेटरी हो जाता है हमारे।
ओके सर, डन डन। कोई कंफ्यूजन है बेटा? नो सर, नो सर, नो सर। एक ट्रांजैक्शन लिखो मेरे साथ। लिखो, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, लिस्ट प्राइस 2 lakh, अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। आप लोग बेटा जरा इसकी जर्नल एंट्री करने की कोशिश करो, बड़े आराम से सोचो समझो, स्पीड नहीं दिखानी। किसका हो बेटा, नाम बताना? कृष्णा, कृष्णा का। ओके सर, मेरा भी हो गया। एशना? यस सर, डन सर, डन। दिव्या के बाद किसका पूरा है? सर वृंदा। कुशाग्र तेरा नहीं हुआ? सर कर रहा हूँ, एक मिनट। सर वर्किंग नोट तो नहीं करना ना, सिर्फ ट्रांजैक्शन दिखानी है ना। अगर आप अपने मेंटल लेवल पे कर सकते हो तो अच्छा है। देखो बेटा, इसको देख के तो ये लग रहा था कि उधार है, कि भाई कैश जो परचेज किया उधार कर दिया, पर इसको देख के पता लगा कि कैश परचेज है। तो कैश परचेज की एंट्री क्या होती है? कैश परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब भाई डिस्काउंट कहाँ आएगा? तो कह रहा सर डिस्काउंट जहां कैश वहां डिस्काउंट, तो यहीं पे लिखना पड़ेगा टू डिस्काउंट। तो एंट्री तो मैंने ऐसे बनाई। अब अमाउंट कैसे भरे? तो हमारे पास जो लिस्ट प्राइस है वो 2 लाख रुपए का, इसके ऊपर पहले मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट
10%, तो मैंने 2 लाख का 10% निकाला। ये सॉल्व करके आता है 20,000। इसका मतलब जो परचेज मानी जाएगी वो 1,80,000 रुपए की परचेज मानी जाएगी। बिल परचेज का 1,80,000 रुपए कटेगा, ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं दिखाते नहीं। ये 1,80,000 रुपए मुझे परचेज के आगे लिखना है। अब हमने कहा पेमेंट अभी कर दोगे तो 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 2% का कैश डिस्काउंट जब आप लेंगे 2%, तो वो इसके ऊपर मिलेगा आप लाख को 1,80,000 रुपए के ऊपर 2% निकालना पड़ेगा। तो ये अमाउंट होता है 3,600। अब इसे सॉल्व करके जो अमाउंट मुझे पे करना है वो मुझे पे करना पड़ेगा 1,76,400। इतना मुझे कैश पे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने माल खरीदा है। तो कैश के आगे ये वाला अमाउंट आएगा और डिस्काउंट के आगे ये वाला अमाउंट। अभी भी कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे तो कंफ्यूजन हो रही है, तो वो पूछ सकता है। ये पूरा करना पड़ता है बेटे हमारे को। आज सुबह क्या हो रहा था कि हम सिर्फ जर्नल एंट्री कर रहे थे, कंसेप्ट बात हो, अभी हमें कैलकुलेशन में भी धीरे धीरे खींच रहा है कि नहीं जी नहीं, आप बच्चों को पूरी बात समझाओ। डिस्काउंट भी होता है, बिना डिस्काउंट के बिजनेस थोड़ा ना होता है। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये जो परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय नहीं होएगा? आपने बेटे उधार माल खरीदा है? नहीं, कैश डिस्काउंट लिखा है तो कैश। हाँ सुबह ये बात हुई थी कि अगर कैश उधार होता तो मैं अजय लिखता, पक्की बात में अजय लिखता, लेकिन क्रेडिट नहीं ना बेटा, वो कैश कैश डिस्काउंट की वजह से कैश परचेज हो गई, इसीलिए यहाँ पर कैश। ठीक है, ठीक है बेटा। किसी और बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन? सर जो आपने यहाँ पे डेबिट के बाद लिखा है जैसे अमाउंट, ये पर्टिकुलर उसके अंदर आएगा या फिर ये अमाउंट वाले कॉलम में आएगा? अमाउंट वाले कॉलम में बेटा, हमेशा ये अमाउंट अमाउंट वाले कॉलम में आते हैं। ये डेबिट के अमाउंट के कॉलम में आएगा, ये क्रेडिट के अमाउंट के कॉलम में, राइट बेटा? क्या मैं ये मानूं कि पूरी क्लास बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है, किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं? Yes, sir. अब एक ट्रांजेक्शन और लो, यहां पर देखना कितनी अच्छी ट्रांजेक्शन आई। सोल्ड गुड्स मोहन, लिस्ट प्राइस 3 लाख, अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 20%। मोहन agree to pay 40% amount at the time of sale. बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन सामने है इस टाइम हमारे। देखिए कई बार क्या होता है, कस्टमर भी बड़ा चलाक होता है। अब हमने क्या करा कि रूल दे दे कि पेमेंट आप अभी करोगे तो हम आपको भाई डिस्काउंट दे देंगे। अब ये कस्टमर ऐसा आया है, ये कह रहा है सर मेरे पास पूरा पैसा तो देने के लिए है नहीं, मैं 40% पैसा ही अभी दे सकता हूं। अब मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। पहले मैं इसका वर्किंग मोड बना दू। लिस्ट प्राइस 3 लाख। अच्छा ट्रेड डिस्काउंट का इन बातों से कोई लेना देना नहीं होता कि पैसा आप अभी दोगे या बाद में, वो तो मिलना ही मिलना था, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट तो साफ सुथरा होता है। ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो हम लोगों ने 3 लाख रुपए का 10% निकाल दिया। अब ये अमाउंट आया 30,000 रुपए। अब ये इसका जो बिल बनेगा सेल का, हमने इसको माल बेचा है वो 2,70,000 रुपए की सेल की। तो अगर ये पैसा अभी देता सारा, अभी कह रहा मैं सारा पैसा अभी नहीं दूंगा, मैं दूंगा खाली 40%। मुझे आप लोग बड़े सोच समझ के बताना
अगर ये कहता है कि मैं सारा अभी नहीं दे सकता, मैं तो 40% ही दूंगा, तो कैश डिस्काउंट जो आप 20% दोगे वो इस पे दे दोगे पूरे अमाउंट के ऊपर या इसके 40% हिस्से पे दोगे? सोच समझ के बताओ। मान लो ये कहता है कि मैं अभी सारा, मान लो आधा करते हैं, चलो आपको समझाते हैं, थोड़ी परसेंटेज चेंज कर देते हैं 50%। एक कस्टमर कह रहा है कि सर जी मैं तो आधा ही पैसा दे पाऊंगा जी आज। हमने कहा बाकी का आधा कब देगा? कह रहा बाकी का आधा मैं 3 महीने बाद दूंगा उधार। ये बताओ कि अगर तुम्हें कैश डिस्काउंट देना है, क्या वो ये कह रहा है कि इसका आधा पैसा अगर मैं आधा करूं 50% ऑफ 270,000, इसका आधा हम देखें तो ये अमाउंट होता है 135,000। आधा पैसा आज दे देगा और बाकी जो आधा बचा 50% ऑफ 270,000, कह रहे सर ये वाला पैसा मैं आपको बाद में दूंगा 1,35,000 रुपए, यानी कि ये वाला पैसा तो उधार है। क्यों? क्योंकि ये पैसा वो बाद में देगा 3 महीने के बाद, तो ये पैसा दे रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मुझे कैश डिस्काउंट देना है 20%, तो कितने बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तो 270,000 रुपए के ऊपर 20% देंगे, और कितने बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं सर कैश डिस्काउंट हम 270 पे नहीं देंगे, हम कैश डिस्काउंट 1,35,000 इस पे देंगे जो पैसा वो आज दे रहा है। अब बताओ बेटे क्या सही है? 1,35,000 रुपए जो वो देना चाहिए 20%। क्या आप सब बच्चे इससे सेटिस्फाइड हो? यस सर। Yes, अच्छा आप बिल्कुल सही सोच। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं मैं ऐसे सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं तो 270 पे ही दे देता, तो ऐसे बच्चों को बिजनेस में कस्टमर बेवकूफ बना देंगे। कैसे बेवकूफ बना देंगे? वो बोलेंगे भाई साहब 270,000 रुपए तो मैं अभी नहीं दे सकता, मेरे पास तो अभी देने के लिए 10% है, यानी कि इसका 10% पेमेंट ही देंगे और पूरे अमाउंट बाकी 90% पे भी कैश। जो पैसा वो बाद में देगा उस पर हम कैश डिस्काउंट क्यों देंगे भाई? इसलिए रूल ही कहता है ठीक है कैश डिस्काउंट का उसूल है, जो पैसा आप आज दे रहे हो हम उसी के ऊपर कैश डिस्काउंट देंगे, पूरे पे हम कैश डिस्काउंट। हाँ आप पूरा पैसा आज देने को तैयार हो जाओ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो देखो मेरी कैलकुलेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, इस बार मैं कैश डिस्काउंट इस पे दे रहा हूं, और देखो बेटा मैं कैश डिस्काउंट कैसे निकाल रहा हूं, कैश डिस्काउंट मेरे को देना है 20%। अब मैं कैश डिस्काउंट 1,35,000 के ऊपर 20% निकालूं, तो 1,35,000 का 20% निकालें तो ये अमाउंट होता है 27,000। अब मेरे को यहां पर जो पैसा मिलेगा 1,08,000 रुपीज मेरे को कैश मिलेगा। एक बार मेरे बच्चों जरा ये वर्किंग नोट देखो, कोई ऐसा बच्चा जो कह रहा है मुझे आपका वर्किंग नोट समझ में नहीं आ रहा, मुझे आपकी कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही। मैं अभी जर्नल एंट्री मत सोचो, आप जर्नल एंट्री मैं करके दिखाऊंगा, पहले वर्किंग नोट पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। और ये वो वर्किंग नोट है जिसमें एग्जाम में आपको दिखाना ही पड़ेगा, ये वर्किंग नोट एग्जामिनर देखेगा ही देखेगा। जो इससे पहले वाला था वो कैलकुलेशन मेंटल लेवल पे हो सकती है, पर ये कैलकुलेशन मेंटल लेवल पे बिल्कुल नहीं हो सकती। एक बार देखो आप सर, ये 50% जो 1,35,000 पे दिया है वो वाला पार्ट फिर से समझा दो। बस बेटे मुझे एक बात बताओ, आप इस बात को जो कह रहे हैं कि ऊपर डिस्काउंट देना चाहिए था कैश, यही पैसा क्वेश्चन में क्या 50% पैसा वो एट द टाइम ऑफ सेल देने को तैयार है, जिस दिन सेल है उस दिन वो आधा पैसा देने को तैयार है, पैसा देने की बात की है उसके अंदर। बात समझ रहे मेरे बेटे? यस सर। कि वो ये पैसा ही मुझे आज दे रहा है इसीलिए मैंने कैश डिस्काउंट इसी के ऊपर दिया, राइट बेटा? यस सर। कोई और बच्चा सर मुझे भी समझ में नहीं आया? डन। अब सुनो देखो जर्नल एंट्री देखना कितनी बढ़िया जर्नल एंट्री बनने वाली है। अब यहाँ पर कह रहा देखो सर एक बात सुनो, आपने कैश सेल की है, हमने कहा हाँ, तो कैश सेल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। चलो एंट्री तो कर ली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, भाई डिस्काउंट कहाँ आएगा? तो स्टूडेंट कहते हैं सर आप ही ने पढ़ाया है कि जहां कैश होगा वहां डिस्काउंट होगा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। चलिए भाई ये बात भी समझ में आ गई, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन क्या मैंने सारा माल कैश में बेचा है या कुछ उधार भी बेचा है इस केस में, बताना मेरे बेटे? सारा उधार भी है, कुछ उधार भी है, उधार भी है,
और आज सुबह ही हम पढ़ रहे थे कि अगर उधार होता है तो हम उसका नाम लिख लेते हैं और जिसको हमने माल बेचा है उसका नाम है मोहन। तो कह रहे सर इस बार जल एंट्री में यहां मोहन भी डेबिट होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस बात से हैरान नहीं हो रहेंगे कि सर एक से ज्यादा डेबिट हो सकते हैं क्या। तो अकाउंट ने सुबह ही बात बोल दी थी सर आप उसकी टेंशन ना लो, अकाउंट में एक से ज्यादा डेबिट होते हैं, चार चार पांच पांच छह छह डेबिट भी आ जाते हैं एक बार, तो उसकी टेंशन हमें नहीं। भाई सेल के आगे कौन सा अमाउंट आएगा, जितने का सेल बिल कटा है 2,70,000 सेल के आगे। भाई कैश के आगे कौन सा अमाउंट आएगा, जितने का कैश मिला है 1,08,000। डिस्काउंट के आगे कौन सा, जितने का आपने डिस्काउंट दिया है 27,000। उधार कितना है, उधार है 1,35,000 जो वो बाद में देगा, अजय के आगे 1,35,000 ये अमाउंट है। अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे तो इन तीनों का टोटल 2,70,000 ही आएगा। ये रूल है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच करना चाहिए। अब आप जर्नल एंट्री कॉपी करो एक बार और ये पूरी चीज देखो बेटा, आपको समझना जरूरी है, आप बहुत अच्छी एंट्री पढ़ रहे हैं इस टाइम, ये समझना जरूरी है। डन, कोई बच्चा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? नो सर। ठीक है, अब मैं आपके पास एक असाइनमेंट भेजता हूं, उसको देखते हैं कि भाई डिस्काउंट के बारे में आखिर ये क्या कहता है। देखिए आपके ग्रुप में एक असाइनमेंट आया होगा बेटा, आ गया सर। इसको ओपन करो बेटे सारे। इसमें कंसेप्ट 4 लिखा हुआ है, तो कैश डिस्काउंट क्या होता है ये हम बाद में देख लेंगे, पढ़ लेंगे। मैंने लिखा भी है कि बुक क्या बोलती है और सिंपल लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं, वो बात की बातें हैं, ठीक है। अब आप देखिए ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने बता दिया। अब ये लिखा है क्विक टेस्ट इन क्लास। क्विक टेस्ट इन क्लास के अंदर आप पहली जो ट्रांजेक्शन लिखी है जरा इसकी सारे जल एंट्री करो, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे तो जरा इसकी जल एंट्री करो। फर्स्ट आराम से करनी है, कोई जल्दी नहीं है कि आप फास्ट करने के चक्कर में गलती कर दो, तो गलती नहीं होनी चाहिए। सिर्फ पहले की जल एंट्री करना, हो गया ऐशना का, हो गया ठीक है सर, मेरा भी हो गया। ओके देखो बेटा आप लोगों की जर्नल एंट्री यही थी और अमाउंट भी यही थे आपके। यस सर। क्या मैं ये मानूं कि बाकी सभी स्टूडेंट ने कर लिया और सेटिस्फाइड है? यस सर। किसी को ठीक है। अब इससे पहले मैं आगे पढ़ाऊं,
एक बात रेक्टिफाई कर देता है और वो अब आपको फॉलो करता। देखिए अभी तक तो मैंने आपको टेंशन दी नहीं कि भाई चलो बच्चा पढ़ रहा है तो बढ़िया बात है, लेकिन एक बात अब आप सुन लो जो अकाउंट कहता है, इसके ऊपर लॉजिक हम बाद में ही बात कर सकते हैं पर सुनना है। कह रहे देखो सर आपने ये बात अपने बच्चों को बताई कि अगर कैश अकाउंट डेबिट हो तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होता है, आपने उसको ये बात पढ़ाई? हमने कहा हाँ पढ़ाई है उसको। कह रहे आपने अपने बच्चों को ये भी पढ़ाया कि अगर कैश अकाउंट क्रेडिट है तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट होता है, आपने अपने बच्चों को ये बात पढ़ाई? हमने कहा हाँ हमने ये बात भी पढ़ाई। कह रहे लेकिन सर आपने उन्हें पूरी बात नहीं पढ़ाई। हमने पूरी बात क्या है वो आप बता दो। कह रहे ध्यान से समझाओ उसको कि बेटा अगर डिस्काउंट डेबिट में कभी आ रहा हो तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू सेल अकाउंट ऐसे। यानी कि डेबिट में अगर कभी भी लिखना है तो डिस्काउंट नहीं, ठीक है वो मैंने ही आपको पढ़ाया था तो मेरे कहने पे आप कर रहे थे, लेकिन कह रहे नहीं सर कभी भी आप लिखें तो डेबिट में अलाउड लिखना है, और क्रेडिट में अगर आप कभी भी करें तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डेबिट में लिखना है तो डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट में लिखना है तो डिस्काउंट रिसीव। हमने भाई क्या बात है ये क्यों है घटिया रूल? कह रहे घटिया रूल नहीं है सर, आप एक बात सुनिए। मान लीजिए कि एक दुकानदार है और वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अच्छा आप ही मान लो कि आप कोई दुकानदार हो और आप कोई चीज बेच रहे और कस्टमर खरीदने आया आपके पास। अब कस्टमर कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे कुछ तो सस्ता लगा लो, कुछ तो डिस्काउंट दो। मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा कि आप जब तक डिस्काउंट अलाउड नहीं करोगे क्या कस्टमर आपसे जबरदस्ती डिस्काउंट ले जाएगा? बताओ बेटा। नो सर। इसलिए एक बात समझो कि जब हम कोई चीज सेल करते हैं, जब हम बेच रहे होते हैं ना, तो हमें डिस्काउंट अलाउड करते हैं, इसलिए डिस्काउंट अलाउड वर्ड लिखा हुआ है। सेल का अलाउड से लेना देना है। और ऐसे मेरे बेटे एक बात समझो, हम कोई चीज खरीदने गए और हमने कहा वैसे इतने का डिस्काउंट दे दो प्लीज, और उसने डिस्काउंट दे दिया, तो हम क्या बोलते हैं? वैसा मेरे को इतने का डिस्काउंट मिल गया, मैं खरीदने गया था एक शर्ट और मुझे उसके ऊपर इतने का डिस्काउंट मिल गया। मिलने को बोलते हैं रिसीव। इसीलिए जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है। तो लॉजिक तो सही है। अच्छा स्टूडेंट कहता है चलो एक बात बताओ, आपका लॉजिक चलो मान लिया, ये डेबिट और क्रेडिट क्यों होता है? मैं एक बात सुन, तूने 100,000 रुपए का माल बेचा? कह रहा हाँ बेचा मैंने। मैंने कस्टमर को तूने डिस्काउंट 10,000 का दे दिया, तुझे कस्टमर ने कितने पैसे दिए? 90,000। 100,000 की चीज के तुझे 90,000 रुपए मिले, बता 10,000 रुपए का तेरा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? कह रहा हाँ जी हुआ, क्योंकि ये एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट होता है। अब स्टूडेंट कहता है सर एक्सपेंस क्यों है? मैं एक बात बता, डिस्काउंट बिजनेस में कभी कभी देते हैं या बार बार देना पड़ता है? बताओ बेटा डिस्काउंट कभी कभी दोगे या बार बार? कभी कभी। अच्छा चलो ये बताओ कभी कभी का मतलब अकाउंट में क्या होता है? कभी कभी का मतलब अकाउंट में क्या होता है सर? एक्सपेंस। हाँ एक्सपेंस पर कभी कभी का मतलब क्या होता है? आप कह रहे हो डिस्काउंट हम कभी कभी देंगे, कभी कभी का मतलब होता क्या है? इनकम। कभी कभी का मतलब होता है 3 साल में 1 बार, 5 साल में 1 बार, 10 साल में 1 बार। तो क्या आपको लगता है कि आप जो माल बेच रहे हैं डिस्काउंट कस्टमर, ऐसा कस्टमर 3 साल में 1 बार आएगा या 5 साल में 1 बार आएगा जिसको आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा? ऐसा कस्टमर 3 साल में 1 बार आएगा। बोलो बेटा क्या सही लगता है आपको? सर हम डिस्काउंट तो रेगुलर नहीं देंगे, तभी तो एक्सपेंस माना बेटा। ये मैं उस स्टूडेंट को जवाब दे रहा हूँ जिसने अभी ये बात बोली कि डिस्काउंट कभी कभी देंगे। तो मैंने बेटा कभी कभी का मतलब समझो आप, अकाउंटेंसी ने पहली क्लास में पढ़ाया था कि बार बार का मतलब क्या होता है और कभी कभी का मतलब क्या होता है। कभी कभी का मतलब होता है कैपिटल नेचर, 3 साल में 1 बार, 10 साल में 1 बार अगर देना पड़े तब कभी कभी बोलते हैं। और ऐसे ही अगर आपको डिस्काउंट मिला है तो ये आपकी इनकम है और इनकम को हमारे यहाँ क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये हमारी इनकम होती है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमें पैसे बच गए हमारे। कोई माल खरीदा हमने 1,00,000 का, पेमेंट हमने कम की तो हमें पैसे बच गए। और अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में नहीं आ रही, वैसे आनी तो चाहिए पर मे भी शायद टेबल स्टूडेंट का मूड अच्छा नहीं होता, नहीं समझ में आ रही, तो एक बात तो रट लो बेटा कि डिस्काउंट डेबिट होगा तो खाली डिस्काउंट नहीं लिखना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिखना है, और कभी क्रेडिट भी लिखना तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट लिखना। अब इसकी आदत डालो, ऐसा ना हो कि आपको आदत खाली डिस्काउंट लिखने की पड़ गई तो वो भी गलत हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपने किया है, मुझे सेकंड करके दिखाओ बेटा।
फर्स्ट आपने किया, अब सेकंड करके दिखाओ। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग बेटा, बोलो। दोनों क्वेश्चन? नहीं, जो आप 11th की बात कर रहे हो, 12th में मुझे आइडिया नहीं है। मैंने टेस्ट लिखे हुए, टेस्ट पेपर क्वेश्चन मैंने मार्क्स लिखे हैं शायद। अच्छा, मैं क्वेश्चन पेपर सेंड कर पाऊँ, ठीक है? मुझे खुद आइडिया नहीं है कौन से कितने के। ठीक ठीक सर, सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। किसने किया है बेटा अभी क्वेश्चन? कुशाग्र, सर वो कुशाग्र कृष्णा। ओके, कृष्णा ने भी कर लिया। यस सर। मेरे बाकी बच्चों ने नहीं किया अभी तक? हो गया सर, एक बार मैं टैली, सडन। अभी मैं टैली कराता हूँ, देखो आपका मेरा इससे मैच करता है कि नहीं। नेक्स्ट, आपके पास जो ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फॉर क्या है, लिस्ट प्राइस 3 लाख है। ओके, तो आपने इसकी एंट्री ये की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। और इसके आगे आपने अमाउंट लिखा होगा 3 लाख के ऊपर 10%, 2,70,000, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव के आगे लिखा होगा 13,500 और यहां पे लिखा होगा 57,500। देखो जरा, ये अमाउंट है आपके 2,56,500, सॉरी। यस सर। एनी कंफ्यूजन बेटा, किसी को कोई डाउट पूछना है इसमें? चलो नेक्स्ट करके दिखाओ बेटा इसका थर्ड। मैं आपको 5-10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से करना है इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अभी करना है क्लास के अंदर, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होगी तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। वर्किंग नोट जरूर बनाइएगा, आराम आराम से वर्किंग नोट जरूर बनाने, ताकि बात हमें समझ में आए, किसी और को बाद में समझा लेंगे हम। एग्जामिनर को क्या बताना है वो हम बाद में बता लेंगे, पहले खुद समझ लें कि आखिर चीज है क्या, उसके बाद देखेंगे कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है या नहीं करना है, वो बात। तो आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीन तसल्ली से कीजिए, मैं भी अभी आपको शो करूंगा उनके आंसर, टेंशन ना लो आप। आपके सामने ही सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो हाथ के हाथ क्लियर हो जाए।
डन सर। सर डन। गुड। फोर्थ का देखो मैंने वर्किंग नोट शो किया है और ये एग्जामिनर को भी बताना पड़ेगा, पर आप बड़े ठंडे दिमाग से आराम से देख सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि ये आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, फिर तो आप ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट में एक्सपर्ट हो। हालांकि ट्रेड डिस्काउंट का तो खैर कोई लेना देना ही नहीं होता, वो तो पहले ही मैनेज होता है हर केस में, इसलिए वो तो ईजी हो जाता है। हिंट में मैंने एक्सक्यूज हो। हाँ बोलो बेटा, बोलो बच्चे। ऐशना आप कुछ पूछ रहे हो बेटा? एशना आपको मेरी वॉइस आ रही है? अगर आप नहीं पूछ पा रहे तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लो, अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही है एशना तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लो आप। सर ये जो है ये आप रिकॉर्ड कर रहे हो? रिकॉर्डिंग पे मैंने लगाया तो हुआ बेटे, अब पता नहीं रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, पर मैंने कोशिश करूंगा। हाँ बोलो। वो मेरा आज इंटरनेट चल नहीं रहा, बहुत ग्लिच हो रहा है बीच में, तो अगर आपके पास रिकॉर्ड हो जाए तो आप प्लीज सेंड कर देना मेरे पर। हाँ मैं वो एक्चुअली बेटा पता है रिकॉर्डिंग होने के बाद भी ना कम से कम भी 2-3 घंटे का प्रोसेस लेता है उसको सेव करने में, तो वो मैं उसमें करके फिर आपको भेज दूंगा, इमीडिएट नहीं भेज पाऊंगा पर भेज दूंगा आपको। ठीक है, एक बार देखो फोर्थ बेटा सबको समझ में आ गई? ऐशना बेटा आप समझ में आ गया आपको? ऐशना को शायद मेरी वॉइस नहीं बोल पा रही। चलो बाकी बच्चों को बेटे वॉइस आ रही है क्लियर? बाकी स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस yes, sir. चलो देखो जरा, तो मेरे ख्याल से फोर्थ आपका सही मैच कर गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसके बाद फिफ्थ जो है वो भी एक बार देख लेते हैं। फिफ्थ में आपने बनाया होगा वर्किंग नोट,
पहले आप उसका वर्किंग नोट टैली करो, क्या है इसका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में कह रहा है कि परचेज लिस्ट प्राइस 1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, 20,000। 80,000 रुपए की मानी जाएगी आपकी परचेज। अब वो कह रहा है मैं आधे पेमेंट अभी करूंगा तो 50%, 50% ऑफ 80,000। हाँ बोलो बेटा। सर जो फोर्थ पार्ट था उसमें दोनों में 25% ऑफ 40,000 नहीं होना चाहिए? नहीं बेटा, आप मेरे ख्याल से शायद इसकी बात कर रहे हैं आप। सर, मेरी एक मिनट, आप मेरे ख्याल से इसकी बात कर रहे हैं, राइट? 25% ऑफ 40, राइट? यस सर। हाँ, तो 25% ऑफ 40 मैंने किया ही है, लेकिन आप ये जो बाकी पैसा बचा जो उधार है, अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं 25% पेमेंट आज ही कर दूंगा, तो बाकी की 75% वो बाद में करेगा, तो 75% ऑफ व्हाट? जितना टोटल अमाउंट था उसका 40। आप देख रहे हैं मैंने ये 25% और ये जो मैंने 75% किया, दोनों ही 40,000 के ऊपर, राइट बेटा? ओके। अब ऐसे ही आप यहां देखो, अगर मैं यहां भी करूं तो 50% पैसा वो आज दे रहा है, तो 50% बाद में। अब देखिए दोनों 50% होंगे 80,000, इसी का 50% यहाँ, इसी का 50% यहाँ। तो ये जो 40,000 रुपए है, ये वाला जो 40,000 रुपए ये उधार हो गया, ये पैसा वो बाद में देगा, और ये वाला जो 40,000 रुपए ये आज दे रहा है, इसके ऊपर हम कैश डिस्काउंट दे देंगे। अब इसका कैश डिस्काउंट कितना होता है वो देख लेते हैं एक बार। 10%, तो 10% इसका निकालें तो 4,000, 36,000 की पेमेंट आज हो जाएगी, ये कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। अब इसकी हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट और टू इसको माल बेचा है संजना को, परचेज क्या आ गया 80,000, कैश क्या गया 36, यहां पर 4 और यहां पर 4। देखो बेटा किसको समझ में नहीं आया, बहुत अच्छा असाइनमेंट माना जाता है ट्रेड डिस्काउंट का, बहुत बहुत बढ़िया असाइनमेंट है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ रही है, जर्नल एंट्री पे भी ध्यान देना पड़ रहा है, सारी तरफ हमें निगाह रखनी पड़ती है, इसीलिए ये बेस्ट असाइनमेंट है हमारे कोर्स का जो इसमें आपके सामने चल रहा है। सर। हाँ बोलो बच्चे। सर आप एक बार वो वाला पार्ट समझा दोगे जहाँ पे आपने वो रिसीव कैश और अलाउ रिसीव डिस्काउंट और अलाउ डिस्काउंट वाला पार्ट समझाया था? आप अलाउ डिस्काउंट वाला पार्ट समझाया था इसकी बात कर रहे हैं आप? यस सर। ये तो मैंने बेटा एक छोटी सी बात बताई, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये बताया था कि अगर मान लीजिए कि आपको डेबिट में डिस्काउंट लिखना है, तो खाली डिस्काउंट वर्ड हमारे यहाँ लिखना अलाउड नहीं है, आपको डिस्काउंट अलाउड वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये मैंने समझाया था। और अगर आपको क्रेडिट में डिस्काउंट लिखना है तो आपको डिस्काउंट रिसीव वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये मैंने समझाया था। वजह मैंने ये बताई थी कि सेल करते समय हम लोग डिस्काउंट अलाउड करेंगे तभी किसी को डिस्काउंट मिलेगा, परचेज करते समय हमें डिस्काउंट रिसीव होगा तभी हमें मिलेगा। अलाउड करते हैं ये हमारा एक्सपेंस होता है, रिसीव होता है ये हमारी इनकम होती है। ये लॉजिक बताया था कि क्यों क्रेडिट होता है डिस्काउंट यहाँ पर, और मैंने लॉजिक बताया था यहाँ पर डेबिट क्यों होता है, क्योंकि वो एक्सपेंस होता है इसलिए डेबिट होता है, और वो इनकम होती है इसलिए क्रेडिट, राइट बेटा? चलिए एक काम करो, इसी असाइनमेंट में सारे बच्चे एक नीचे होमवर्क दे रखा है, जरा एक बार देखना ये सारी ट्रांजेक्शन मेरे सामने, सिर्फ पढ़नी है आपको। पढ़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट बोले सर मैंने पढ़ी थी और मुझे समझ में नहीं आई तो मैंने होमवर्क ही नहीं किया, तो ऐसा ना बोले, एक बार पढ़ लो फिर देखो जरा। सर। हाँ बोलो बेटा।
सर वो मेरी एंड ओ मतलब नेट कनेक्शन प्रॉब्लम था, तो आप एक बार ऊपर वाले का फोर्थ और फिफ्थ का वो वर्किंग नोट समझा दो। हाँ देखो बेटा ऐशना, बेटा वर्किंग नोट फोर देखो, आप पहले आप खुद देखो, अगर आपको देख के समझ में आ जाए, मैं इसमें स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ बेटा उसको, अगर आपको देख के समझ में आया तो वेरी गुड है। अगर आप कहते हो सर देखने के बाद मुझे नहीं आया समझ में, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार देखो बेटा, एक बार देखो बेटा सर, मेरे को मतलब मैं यहाँ लाइक जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद 40,000 आया था उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं, आप ये देख रहे हो कि 40,000 रुपए का हमने सेल किया है, लेकिन वो ये कह रहा है कि 40,000 की जो सेल किया है इसका 25% ही मैं आज पेमेंट करूंगा। सारी पेमेंट अगर वो आज कर देता तो मुझे कोई दिक्कत थी नहीं, वो 25% पेमेंट ही आज करने को तैयार है। तो ये बताओ बेटा कैश डिस्काउंट मैं पूरे पे दे दूंगा या 25% पे मिलेगा? 25%। तो पहले मैंने इसका 25% निकाला, 40,000 का 25% निकाला, तो अमाउंट 10,000 रुपया आया, तो अमाउंट 10,000 रुपया आया। और इस 10,000 के ऊपर मैंने फिर कैश डिस्काउंट दिया 1,000, इतना मुझे कैश मिला। अगर 25% पेमेंट मैं आज कर रहा है तो बाकी पेमेंट 75% बची, तो मैंने 40,000 का 75% निकाला, 30,000 पे ये उधार है। और जब उधार होता है तो वो पैसा मुझे बाद में देगा, इसलिए आप देखिए कि मैंने सेल में सूरज के आगे 30,000 पे लिखा है। हम नाम जब भी लिखते हैं जब ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे हो, उधार। अब दोबारा देखो बेटे, नहीं समझ में आया तो दोबारा बताता हूँ। ठीक है, ऐसे ही ये फिफ्थ है, फिफ्थ का भी सेम कहानी है, वो 50% पेमेंट ही दे रहा है, आधी पेमेंट अभी देगा आधी पेमेंट बाद में देगा, सेम कैलकुलेशन वही काम कर रही है। ओके सर। चलिए एक बार सभी स्टूडेंट होमवर्क की रीडिंग ले एक बार। सर हाँ बोलो बच्चे। सर जो होमवर्क वाले में क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ उसमें सर पूरे पैसे तो मिल रहे हैं पर कैश से और चेक से दोनों को मिलाकर मिल रहे हैं, तो उनका कोई मेंशन भी अलग अलग करते हैं? हाँ, अगर जो चेक से मिलेगा वहां पर हम कैश लिखेंगे, वहां पर हम बैंक अकाउंट लिखेंगे, और जहाँ कैश मिल रहा है वो हम कैश लिखेंगे। ओके सर, मैं बता देता हूँ कौन सा कह रहे हो आप। सर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। एक बार बेटे जरा सारे बच्चे देखे, एक बार सभी स्टूडेंट एक बार उस पे कॉन्सेंट्रेट करें, मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 के अगर हम थर्ड को देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम थर्ड देखें, तो थर्ड के अंदर पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं। लिस्ट प्राइस 10,000 रुपए है, तो हमने यहां पर लिखा लिस्ट प्राइस। अब इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1,000। बैलेंस 9,000, ये है सेल। सेल अब वो कह रहा है कैश डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जिसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो ये कह रहा है कि मैं आधा पैसा तो कैश से दूंगा। भावना पेड अमाउंट विद डिस्काउंट कैश, नहीं नहीं थर्ड है ना, फर्स्ट का थर्ड में ये कहा लिखा है आधा चेक से दे रहा है बेटा। कौन सा थर्ड बोल दिया? अच्छा होमवर्क का थर्ड होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा गलत क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड का होमवर्क वाला कह रहे हो ना आप, सॉरी। यस सर।
इसमें लिस्ट प्राइस है 20,000। इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को इन सब बातों से कोई लेना देना होता नहीं। अब ये आ गया 18,000। अब इस 18,000 का नाम हमने रखा सेल। अब वो कह रहा है सर मैं कैश डिस्काउंट दूंगा लेकिन मैं दूंगा 10%। अच्छा चलो ये बताओ कि ये आदमी पूरी पेमेंट आज ही कर रहा है या बाद में करेगा, कुछ उधार कर रहा है कुछ? सर आज ही कर रहा है, सारी सारी पेमेंट आज कर रहा है। तो फिर सारी पेमेंट के ऊपर ही कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। अब कैश डिस्काउंट हमारे पास कितना परसेंट है? कैश डिस्काउंट हमारे पास है 10%। तो मैंने इसका 10% निकाल दिया तो ये अमाउंट मेरे पास आया 16,200। तो वो कह रहा है जितना पैसा मैंने देना है आधा पैसा तो दूंगा कैश, यानी कि इसका आधा 8,100 तो कैश देगा और आधी पेमेंट कर रहा है वो चेक से। 8,100 का चेक काट के दे रहा है, 8,100 की कैश पेमेंट कर रहा है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? पहले देखो वर्किंग नोट सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। एंट्री देखो बेटा कैसे होगी। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक का पैसा बैंक में जाता है इसलिए चेक अकाउंट लिखते, चेक की जगह लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। अब सेल के आगे अमाउंट लिखेंगे आप लोग कितना, 18,000। कैश कितना दिया, 8,100। चेक कितने का दिया, 8,100। डिस्काउंट कितने का है, 1,800। ऐसे होगी बेटे ये एंट्री। ओके सर। ओके बेटा, और देखो बेटे कोई कंफ्यूजन? जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो भी देखना है आपको सारा। मेरे हिसाब से अब वो जर्नल एंट्री आपको आती होंगी, पर वो रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है, इसलिए एक बार ये नहीं कि एंट्री पढ़ ली तो हमारा पीछा छूट जाएगा, वो भी हमें देखनी पड़ती है। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है। सुवांश कह रहा है कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। चलिए आप लोगों ने होमवर्क देख लिया बेटे? यस सर। तो एक मिनट, सबसे पहला काम देखो आपको क्या करना है और क्या समझना है। सबसे पहले तो बेटा देखो आप लोग एक चीज समझो, जो आप लोगों ने अभी ट्रांजेक्शन पढ़ी है, सबसे पहले इसके अंदर आपने एक पॉइंट पढ़ा है कि एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है बेटे कैश डिस्काउंट।
और जो निमेकल जो सिचुएशन आपने देखी है उसके अंदर ये पढ़ाया कि ट्रेड डिस्काउंट भी क्वेश्चन में गिवन होता है, कैश डिस्काउंट भी क्वेश्चन में गिवन होता है, और एग्जामिनर का पर्पस ये था कि कहीं वो ये चाहता है कि वो आपकी कैलकुलेशन शार्प करना चाहता है। एग्जामिनर चाहता है कि स्टूडेंट को ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन आनी चाहिए, बेशक हम उसे दिखाएं या ना दिखाएं। इसको कहता है कि उसे पता होना चाहिए कि बिल के अंदर ही कहीं शो नहीं होता। आपने देखा कि जर्नल एंट्री के अंदर हमने उसका अमाउंट कभी कंसिडर नहीं किया, हमने कैश डिस्काउंट को जरूर कंसिडर किया। दूसरा, हमने एक बात ये भी समझी कि कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, डेबिट में है तो डिस्काउंट अलाउड लिखना है, क्रेडिट में है तो फिर हमें डिस्काउंट रिसीव लिखना पड़ता है, ये भी हमने इसके अंदर देखा। लेकिन अब जो मैं आखिरी बात आपको पढ़ा रहा हूं, आपने देखा होगा कि आपके असाइनमेंट, आपके ग्रुप के अंदर मैंने एक और असाइनमेंट भेजा, वो बात अगर मैं आपसे नहीं करूंगा तो आज की क्लास में आप कुछ गलत ही समझ के जाओ, मतलब आपके पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन चली जाएगी अगर मैंने वो पॉइंट आपसे अभी डिस्कस नहीं किया, इसलिए मेरी मजबूरी है। तो 5 मिनट मुझे और दीजिए, वो बात मैं आपसे और कर लूं तो तसल्ली हो जाएगी कि वाकई मैंने अपने बच्चों को सही बात पढ़ाई। स्टूडेंट कहता है चलो सर बताओ क्या है वो पॉइंट जो अभी भी आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो। तो मैंने कहा बेटे पॉइंट ये है, पॉइंट ये रेज होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर कहीं कैश डिस्काउंट ना लिखा, कहीं क्वेश्चन के अंदर कैश डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ फिर भी हमें कैश डिस्काउंट देना पड़े। भाई अभी तो क्लियर साफ साफ लिखा होता है कैश डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 5%, ऐसा लिखा होता है। तो स्टूडेंट कहता है ठीक है मैं पहचान लूंगा, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन के अंदर कहीं कैश डिस्काउंट वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया फिर भी क्वेश्चन के अंदर क्या कैश डिस्काउंट हो सकता है। अब स्टूडेंट कहता है सर ऐसे कैसे हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो मैंने कहा बेटे यही एक ट्रांजेक्शन हमारी पेंडिंग चल रही है, ये बात भी हम समझ लें तो अब टेंशन फ्री हो गए। हाँ भाई डिस्काउंट के हमने सारे एंगल चेक कर, 5 मिनट लगाइए मैं आपको एक ट्रांजेक्शन लिख के समझाता हूं कि वो डिस्काउंट किस तरह से काम करता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो आइए एक बार उसके ऊपर भी बात करते हैं, एक ट्रांजेक्शन मेरे साथ साथ आप लोग लिखिए किस तरह की वो ट्रांजेक्शन है। हाँ बेटा लिखिए यहां पर, देखो बेटा लिखो सबसे पहले यहां पे लिखो डेट और यहां पे लिखो ट्रांजैक्शन। डेट लिखिए और ट्रांजैक्शन लिखिए आप यहां पर, कैसे लिखना है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। सर आप ये फोटो भेज देना, मेरे यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है फिर से। अच्छा मैं कोशिश करूंगा बेटे की रिकॉर्डिंग आएगी तो मैं आपको भेज ही दूंगा। ऐशना बोल रहे हो ना आप? यस सर। हाँ ठीक है बेटे मैं ट्राई करता हूँ, कोई बात नहीं। तो डेट लिखो सबसे पहले, डेट मान लो आपने यहाँ पर लिखी, लिखो 10 अप्रैल 10th अप्रैल 2019। और अब आप यहां पे लिखिए सोल्ड गुड्स टू हरी, सोल्ड गुड्स टू हरी 10,000। चलो बेटा जरा इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी, सोल्ड गुड्स टू हरी 10,000, इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम? कैश सेल है क्रेडिट सेल है? क्रेडिट, क्रेडिट सेल है। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा इसकी, क्या बनेगी? हरी डेबिट टू सेल अकाउंट। एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। अब देखिए सर, अब आप लिखिए डेट नेक्स्ट 15 अप्रैल, यहां पे लिखिए कैश रिसीव फ्रॉम हरी ₹9,500 इन फुल सेटलमेंट।
पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये अजीब सी लाइन लिखी है इस बार, इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये बेटा, इस लाइन का मतलब ये है कि हमने 10 अप्रैल को हरि को उधार माल बेचा और हरि से हमने पैसे लेने 10,000 रुपए। 15 अप्रैल को हमने हरि को कहा कि भाई पैसे कब दोगे, तो कह रहा सर जी अभी आ रहा हूं पेमेंट करने। तो हमने कहा चलो हरि पेमेंट करने आ रहा है। अब जब वो पेमेंट करने आया तो वो बातें बना रहा है। हरि कह रहा है वैसा मैं आपका 15 साल पुराना कस्टमर हूं, आपसे इतने टाइप से माल खरीद रहा हूं, इस बार आपने मेरे को माल महंगा लगा दिया। तो हमने कहा भाई आप क्या करना चाहते हो? कह रहे भाई साहब मैं तो उसके 9,500 रुपए दूंगा बस, आपका रेगुलर कस्टमर है, कम से कम मेरे लिए इतना तो करो, और पैसा नहीं दूंगा, फुल सेटलमेंट। मतलब 9,500 रुपए में सेटलमेंट कर गया, यानी कि मुझे हरि से पैसा लेना कितना था 10,000 और पैसा पकड़ा कितना गया 9,500। तो ये बताओ बेटा क्या वो 500 रुपए और देगा बाद में? नो सर। नहीं आदित्य बेटे बात समझ में आ रही है? यस सर। दिव्या बेटे आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है तो बेटे सारे बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे वो पैसा बाद में देने नहीं आएगा, वो 9,500 रुपए दे गया और फुल सेटलमेंट कर गया। तो क्या करें? तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि हमने उससे लेने 10,000 थे, वो 9,500 रुपए दे गया, तो 500 रुपए का डिस्काउंट है। आप यहां एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, आपको कैश मिला, फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट में अगर कभी भी डिस्काउंट आता है तो डेबिट होता है टू हरि, हरि हरि को क्रेडिट करेंगे। अब हरि के आगे पूरा लिखेंगे 10,000 कि भाई हमने उसे 10,000 लेने थे लेकिन वो हमें पैसा दे कितना गया 9,500 और इतने रुपए का डिस्काउंट। अब मैं ये ट्रांजेक्शन पढ़ाना चाहता था कि देखो बेटे इस ट्रांजेक्शन के अंदर कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई कि भैया डिस्काउंट देना है कैश डिस्काउंट पर। इसका मतलब वही निकलता है कि किसी आदमी से, और बिजनेस में ऐसा होता भी है भाई, लोग पूरी पेमेंट करके नहीं जाते, तो ठीक है जो पेमेंट कर गया बाकी का फिर उसे डिस्काउंट मानना पड़ता है। बोलो बेटे एनी कंफ्यूजन किसी को? चलो कोई बात नहीं, मैं ये ट्रांजेक्शन में दोबारा कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आप लोग को शायद मेरे ख्याल से प्रॉब्लम भी आ रही है, नेट की प्रॉब्लम भी चुका रही है, वॉइस भी शायद मुझे लगता है उनको क्लियर नहीं जा पा रही है, तो कोई इशू नहीं है। बस आप मुझे एक काम करो, सारे बच्चे एक बात ध्यान से सुन लो मेरे को। देखो कल मैं सोच रहा हूँ कि आपका अभी एक कंसेप्ट रहता है बैड डेट। अभी तो मैंने आपको जो कंसेप्ट मेन ग्रुप में जो चल रहा है, ये जो मेन ग्रुप है जिसके अंदर मैं आपको डालूंगा, इसका टाइमिंग है MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6:30 to 8, यानी कि वैसे तो अभी 6:30 to 7:30 चलता है पर धीरे धीरे इसका टाइम हम बढ़ाएंगे, 6:30 to 8 हो जाएगा इसका टाइम। तो मैं चाहता हूं कल आप इस ग्रुप में बैठे और इस ग्रुप के अंदर मैं आपको जो मेन पढ़ाने वाला हूं वो उसमें आपको आगे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। जैसे आप कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े, आपने एक पढ़ा कैपिटल, आपने आज सुबह कौन सा पढ़ा, एक आपने पढ़ा ड्राइंग, आपने आज सुबह कौन सा पढ़ा, एक आपने पढ़ा गुड्स जिसको हम स्टॉक भी कहते हैं, फिर आज आपने कौन सा पढ़ा डिस्काउंट, आज आपने डिस्काउंट पढ़ा, अब एक और पढ़ाना है मैंने बैड डेप्ट। ये कंसेप्ट आपका छूट गया है, हालांकि बैड डेप्ट वाला कंसेप्ट मेन ग्रुप में हो चुका है। तो अगर आप लोग मुझे एक बैकअप क्लास और ढंग से दे दो तो मैं आपको बैड डेप्ट अलग से पढ़ाना चाहता हूं, वो मेन ग्रुप में नहीं पढ़ाऊ। आज मैंने आपको बताया था कल मॉर्निंग में कि आपको आज मॉर्निंग में कंसेप्ट है टोटल 11 कंसेप्ट अगर मैं आपको पढ़ा दूं तो आप लोग बिल्कुल क्लियर आ जाओगे पोजीशन के अंदर, 11 कंसेप्ट अगर मैं आपको पढ़ा दूं। लेकिन अभी हमने पढ़े कितने हैं, अभी 1, 2, 3, 4 आप लोगों ने तो 4 पढ़े, मेन बैच 5 कंसेप्ट पढ़ चुका है। तो कल मेन ग्रुप के अंदर मैं 6 कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं, 6ठा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा इसके अंदर आपको, वो छोटे छोटे कंसेप्ट है, बड़े नहीं है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, उनके ऊपर हम कल बात करेंगे। तो क्या आप लोग एग्री हो कि आप कल मेन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो? अगर उसमें ये क्लास हम अलग से लेंगे पर मेन ग्रुप में आप लोग आ जाओगे तो आपके पास आप मेन शेड्यूल में आ जाओगे, आप लोग काम का स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हम कोई बैकअप क्लास आपसे बात करता हूँ अभी उसके ऊपर। तो कल मैं अगर आपको मेन बैच में अटैच कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नो सर। नो सर।
ठीक है, तो कल एक तो हम मेन बैच में है कि आप लोगों की क्लास, कल आप लोगों की क्लास 6:30 से 7:30 है, एक तो ये बात नोट कर लो आप। दूसरी बात ये बताओ, अभी हमें इसका भी बैकअप लेना बाकी है जो हम ठंडे दिमाग से लेंगे, टेस्ट तो हम भाग ही नहीं सकते अकाउंटेंसी के अंदर। इसके लिए कोई टाइम आपके पास, क्योंकि कल शायद आपके स्कूल की क्लास ऑन हो जाएंगी तो कल तो आप वहां चले जाओगे, कोई टाइम है आपके पास? मंडे ट्यूसडे में कभी आप ले सकते हो मॉर्निंग में? दोपहर को के बीच में। अच्छा एक बात बताओ, ट्यूसडे को अगर मैं आपकी क्लास 5 to 6 रखूं बैकअप, तो आप ट्यूसडे 5 से 6 बैकअप ले लोगे? यस सर। इस वाले कंसेप्ट को पढ़ा, 5 to 6 मैथ की है, 5 to 6 मैथ की क्लास होती है बेटा। किसी क्लास होती है बेटे 5 से 6? ट्यूसडे को मैथ्स की होती है। अच्छा मैथ की होती है ट्यूसडे को, ओके 6:30 से 8। चलो एक काम करो, कल आप लोग अभी बैकअप क्लास में, तो मेन क्लास में तो कल आप आ ही रहे हो सारे के सारे, मैं आपको बैकअप क्लास का बताता हूँ फिर बाद, ठीक है बेटा? बैकअप क्लास का एक बार कोई मैं अपने टाइम देखता हूँ, कोई टाइम मुझे मिलेगा तो मैं आपके ग्रुप में टाइम ऑफर कर दूंगा, अगर वो सबको एलिजिबल सबको इजी रहेगा तो हम बैकअप क्लास, बस हमें ये पढ़ना है बैठ अलग से बैठ के, और जो मेन बैच में उसका कोई जिक्र हम वहां इसका करेंगे नहीं, वो अपने नए कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो उनके लिए भी नए है, आप लोगों के लिए भी नए है कंसेप्ट, तो वहां से आप लोग सिमिलर एक पैनल पे आ जाओ। तो ये टाइम मैं आपसे ग्रुप में पूछ लूंगा कि भाई ये टाइम अवेलेबल है, अगर आप सब लोग एग्री हो जाते हैं तो फिर मैं उसके बाद आपको उसके बारे में बता, ठीक है बेटा? क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। तब तक आपको करना क्या है, जो मैंने आज असाइनमेंट दिया इसको होमवर्क करना बैठ के आराम से, उसके डाउट मैं फिर आपसे पूछूंगा कि भाई उनका क्या करना है, फिर भी कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बात कर सकता है। चलो बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, फिर हमें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 6:30। Okay, मैंने आज इस पे ट्राई किया है, मैं जरूर भेजूंगा आपको रिकॉर्डिंग।